तो एनपीपी पार्टी में काम करने का कमी जो ये रहा, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का कनेक्शन बहुत दूर है, तो मुझे काम करने में इसमें दिक्कत आता है। आज हम लोग का बहुत शुभ दिन है, जो कि हमें वेस्ट कमिंग जैसा बहुत ही पॉलिटिक्स में आज का समय में तेजी और बहुत ही वहाँ पे जो पावरफुल जो डिस्ट्रिक्ट है उस वहाँ से हमें एक जो नौजवान जो बहुत ही एनर्जेटिक वाला जो हमारा टीम एनसीपी अजीत पवार में शामिल हो रहा है, तो मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा स्टेट प्रेसिडेंट श्री लीका साया जी को, आपके शुभ हाथों से उन्हें अपॉइंटमेंट दिया जाए। लीका साया जी से आपका अपॉइंटमेंट को ग्रहण करें। हमारा वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट का सरतांग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिन्हें हम अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है। काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी एनर्जेटिक हमारा लीडर है। हमारा स्टेट ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री लीका साया जी का लीडरशिप को इन्होंने पसंद करके हमारा एनसीपी अजीत पवार का टीम में शामिल हुआ है। हम आशा करते हैं कि ये हमारा स्टेट को बहुत ही कंट्रीब्यूशन देंगे उनका सोशल वर्क के द्वारा, और वेस्ट कमिंग को काफ़ी वो मजबूत से चलाएंगे, मैं ये आशा करते हैं। सर, कुछ ही महीनों में आप लोग का टीम फॉर्म होने वाला, एक महीना ही ऐसा हुआ और बहुत सारे काफ़ी लोग आप लोग का टीम में ज्वाइन किया है सर, तो आप लोग का ऐसे क्या चीज़ है लगता है कि आप लोग का टीम में इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं इतने कम समय में? सर देखिए, आपको लीका साया जी को सभी जानते हैं, ये एक यूथ आइकॉन है और इनका जो लीडरशिप है सब जानते हैं, ये ट्रांसपेरेंसी है, जो भी चीज़ करता है वो सारे खुले मैदान में करता है, वो कभी किसी को ऊपर नीचे बोलता कुछ है करता कुछ है ऐसा नहीं करता है। इसका लीडरशिप को पसंद करते हुए आज जितने भी हमारा एनसीपी अजीत पवार का टीम में स्टेट यूनिट में जो शामिल हो रहा है उसी की द्वारा से ही शामिल हो रहा है। मैं सरतांग कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो आज हम यहाँ एनसीपी अजीत पवार पार्टी में आज ज्वाइन हुआ, तो ये सबसे बड़ा खुशी का दिन रहा आज मेरा। तो हमारा साया साहब के लीडरशिप में हम लोग काम करेंगे, हमारा नेशनल प्रेसिडेंट अजीत पवार एनसीपी के क्षेत्र में हम काम करेंगे। ज्वाइन होने का कारण ऐसा कुछ है, तो हमारा फॉर्मर एमएलए साया साहब जी के लीडरशिप में मैंने आज से 10-15 साल पहले से मैं जानता हूँ, उनका काम करने का तरीका एक सुंदर तरह से काम किया जाता है। तो आज मैं अजीत पवार जी के लीडरशिप में और हमारे साया साहब स्टेट प्रेसिडेंट के लीडरशिप में आज मैं साथ में इसलिए ज्वाइन हुआ कि एक सुपर पावर के जैसा काम करने वाला इंसान है, क्योंकि एक विश्वास के साथ मैं ज्वाइन किया। और मैं अरुणाचल की जितना भी हमारे जनता है, आप सब देखे हैं साया साहब के परफॉर्मेंस बहुत सा सुंदर तरह सा रहा। मैंने 2017 में एनपीपी पार्टी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में काम किया 2022 तक, फिर 2022 से स्टेट सेक्रेटरी इंचार्ज वेस्ट कमिंग एंड ताउंग में मैंने काम किया, लेकिन थोड़ा सा मेरा काम करने में थोड़ा फुलफिल नहीं रहा, तो मैं थोड़ा सा खुश नहीं रहा, तो इसलिए मुझे काम करना चाहते हैं हमारा स्टेट को लेके, हमारा डिस्ट्रिक्ट को लेके, ऐसा एक पार्टी के साथ ज्वाइन करना चाहता है कि हम मैं फुलफिल से काम कर सकता हूँ। तो ये फुलफिल काम करने का मैं साया साहब का लीडरशिप में विश्वास करके आज नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ ज्वाइन हुआ हूँ। सर, आपने जैसे कहा कि आपको जैसे काम करने मन है,
तो सर ऐसे क्या प्रॉब्लम था आपका पुराना पार्टी में और अब अभी जो ये एनसीपी में ज्वाइन हुआ है, तो सर आपका एम्स क्या रहेगा, आपको किस प्रकार से आप काम करना चाहेंगे, कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? हमारा जो एनपीपी पार्टी में काम करने का कमी जो ये रहा, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का कनेक्शन बहुत दूर है, तो मुझे काम करने में इसमें दिक्कत आता है। और मैंने ये विश्वास में नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन इसलिए किया कि मैं डिस्ट्रिक्ट में काम करने में दिक्कत नहीं आएगा, मैं ये विश्वास के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। सर वही तो आपका जो वेस्ट पार्लियामेंट है सर, जी उसके जी, लिए आपका क्या एम्स रहेगा, आप क्या दिमाग में आप क्या सोच के आए हैं सर? मैं अरुणाचल का विकास को लेके हमारा क्षेत्र में भी मैं अपना पार्टी के कैंडिडेट को खड़ा करना चाहता हूँ, ताकि मैं उनके साथ मिलकर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल स्टेट को आगे ले जाने में कामयाब रहे, मैं यही चाहता हूँ।